मैं गुड लुकिंग नहीं हूँ। और ये जो मैं खुद को हीरो समझ के घूमता फिरता रहा, गलत था। I was wrong। अब गलत जगह दिल लगाओगे तो यही होगा ना। नहीं, बंदा खुद लगाता है दिल। तुमने सोच समझ के लगाया था। हमें तो मौका ही नहीं मिला सोचने समझने का। यार अब सोच लो, मिल जाएगा तुम्हें कोई ना कोई। चल जाएगी तुम्हारी मोहब्बत की गाड़ी। मोहब्बत की गाड़ी में कोई स्टेपनी नहीं होती है बिल्स। जो एक टायर गया तो दूसरा लगा लिया। ये जो तुमने उर्दू के इतने जबरदस्त डायलॉग में अपनी तरफ से स्टपनियां डाली है ना, इन स्टपनियों से बिल्लू चौधरी का कोई लेना देना नहीं है। तो परी से क्या लेना देना है तुम्हारा? क्यों देते उसे इतना मार्जिन? उसने नुकसान क्या किया? तुम्हें तो सांप ही सूंघ गया। तुम पागल हो? क्या करता? गोली मार देता उसे। मैं होती तो मार देते तुम गोली। पकड़ो अपने एयरपॉड्स। वो यस वॉशिंग मशीन में से मिले थे। तो फिर इनमें क्या बचा होगा अब? हाँ, मेरे दिल की तरह मुफ्त में रगड़ा खा गए बेचारे। रगड़ा? इस अजाब का तो किसी भी किताब में जिक्र नहीं था, ना पढ़ा ना सुना। अरे शेर वाली टी शर्ट पहनी थी तो गैडे वाला पजामा भी पहन लेना था। कौन से? या तो डंगरों को बाहर निकाले या घुस जा टीवी के अंदर। भाईजान क्या काम करता है गोरा। वाह 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 वाह, कितनी आउट क्लास डॉक्यूमेंट्री बनाई है। देखें जरा गोरे का काम देखूं या अपना घोड़ा देखूं। तू इधर बैठ ना जरा। साहब सब तेरे अंदर कोई टेक्निकल फॉल्ट है? मेरा मतलब कोई तकनीकी खराबी है, या ये जो जानवर है इनमें से कोई मकनातीसी लहरें निकलती हैं, कोई बू है जो तुझे खींचती है इनकी तरफ? भाईजान कितनी प्यारी मखलूक है ये जिसको आप डंगर डंगर कहते रहते हैं। कभी इनके साथ टाइम स्पेंड करके देखें, मजा आ जाएगा। मैं कर रहा हूँ जी टाइम स्पेंड। ना तेरा क्या ख्याल है इस घर में इंसान रहते हैं? मेरा तो दिल चाहता है मैं ये चौधरी विला का बोर्ड हटा के ना चिड़िया घर का बोर्ड लगा दूं। भांत भांत की बोलियां बोली जाती है और ऊपर से माशाल्लाह तू। भाई टीवी क्यों बंद कर दिया? क्योंकि मैं एक वक्त में एक ही जानवर देख सकता हूँ। तू मुझे ये बता उताशी के शादी के कार्डों का क्या बना है? अब वो कल मिल जाएंगे बेटा। अगर कल ना मिले ना तो इंशाल्लाह जन्नत में ही मिलेंगे, क्योंकि अब्बा जी हस्बे आदत हस्बे मामूल 190 की स्पीड पे जा रहे हैं और उनका मूड और मुंह किसी के लिहाज करने वाला नहीं है। भजन आप ना उनको तसल्ली दे और मुझे ना जरा ये डॉक्यूमेंट्री पूरी करने दो। शेरनी घात लगा के बैठी है 12 सिंगे पे। मेरा तो सांस अटका हुआ है उसके। बेटा ये ले, तू अपना सांस बहाल कर, ठीक है? मैं अब्बा जी को बताता हूँ कि कार्ड मिल जाएंगे। तू अपने हकीकी बहन भाइयों के साथ टाइम स्पेंड कर। हाँ। अल्लाह ने हमें डंगर ही दे दिया है। अब्बा जी से कह रहा है जो भी होगा ना अच्छा ही होगा। काश मैं भी जंगलों में इन जानवरों के साथ होता, क्या लाइफ होती। ऐसे मुंह उठा के कह दिया कि मैं आम सी शक्ल का लड़का हूँ, कोई खास बात नहीं मुझमें। मुझे एक इंच जरा सा थोड़ा सा भी मैं खास नहीं लगा। शॉपी से पूछता हूँ। हेलो यो शोभी, क्या कर रहा है तू? किधर है? खुदा ना खास्ता कोई डाकू वाकू तो नहीं आगे जो इतनी खुमार आलूदा आवाज निकाल रहा है? ब्रो एक बात तो बता मुझे। ब्रो मैं बिल्कुल आम सी शक्ल का लड़का हूँ। आई एम नॉट गुड लुकिंग। रात के 2:35 पर तूने मुझसे ये पूछने के लिए कॉल की है? वो मुझसे कहती है कि मुझ में कोई खास बात नहीं है। कौन? एमा वॉटसन? परी। यार अब तो इन नकली परियों की फजूल बातों की वजह से मेरी नींद खराब करेगा। क़यामत के दिन अलग हिसाब होगा इसका। बता ना ब्रो, तेरे भाई की स्माइल तो बड़ी कातिल नहीं है? यो तो ऐसे इतने आम भी नहीं हो तुम तो। कुछ ना कुछ बात तो है तुम में, पर पता नहीं परी को नजर क्यों नहीं आती। चश्मा पहन के देख लो, हमारा नजर आ जाए। दादी नींद में भी आपकी नजरें परी परी जमी रहती हैं, सो जाएं। हाँ मैं भी तुम्हें देखेंगे। वो खैर है बिल्लिया, पूरी रात से नींद नहीं आई मुझे। वो एक शेर है। अब शेर याद आ गया आपको? उसको भी लग ही गई शहर मोहब्बत की हवा। वो भी है अमजद, अब रहता परेशान बहुत। और दादा जानिए मोहब्बत मोहब्बत का फंडा मेरी समझ में नहीं आता। तो फिर किस चीज ने नींदें बर्बाद कर रखी है मेरे बिल्लू बब्बर शेर की? एक बात बिल्कुल गैर जानिबदार होके मेरा और अपना इश्क साइड पे रख के मुझे बताइएगा, गौर से देखे मुझे। शक्ल और सूरत का कैसा दिखता हूँ मैं? शहजादा है मेरा बब्बर शेर। एवे ते नहीं पोते, तेरी तस्वीरें मैंने अपने ट्रकों के पीछे वड्डी करके चस्पा की हुई। तो फिर वो परिचरी मुझे क्यों कहती है कि तुम शक्ल और सूरत के बड़े आम से हो? कोई खास बात नहीं है तुम्हारे चेहरे में बिल्लू चौधरी? हंस रहे हैं आप? सलमा ने भी शुरू में यही स्टंट मारा था। 2 दिन मैं शीशे के आगे खड़ा रहा, शीशा बोल पड़ा बिल्लिया। शीशा कहने लगा है चौधरी भास्कर, ओए क्या जान लेगा अब मेरी? जो भी है, लेकिन ये कोई बात है किसी के मुंह पे करने वाली भला? ओ पुत, ये जो मोहब्बत होती है ना, यही इंसान को खास बनाती है। उससे पहले सारे आम ही होते हैं। और जिस तरह मेरे बिल्लू बब्बर शेर ने मेरी मोहब्बत में रिश्ते में हाँ की है। मेरी एक बात याद रखिएगा दादा जान, ये शादी ना मैं सिर्फ आपके कहने पे कर रहा हूँ, वरना मुझे तो पता था इस बात का कि आपके मसलक में लव मैरिज की कोई वो इजाजत नहीं है। याद रखना है आपने। शहजादा मेरा बब्बर शेर, और तेरी राती कोई नहीं जमया। I know that. जा मेरा पुत, जाके माँ से कह दूध पत्ती जरा बना के भेजे तगड़ी जाई। और सदके है ना वो खैर है, तेरी फिर कोई सीमेंट की बोरियां चुक के ले गया? ओ नहीं यार, रात से बड़ा ही परेशान किया हुआ पारो के ससुर ने। क्या कहता है? बातों बातों में मुझे सुना रहा था कि लड़के को गाड़ी 1800 सीसी पसंद है, और ये कि मेरे घर में तूबा का कोई हिस्सा तो नहीं निकलता। किन कटिया लोगों में जोड़ आया कुड़ी का रिश्ता। नहीं नहीं किया तो जानने वालों में है, पर वो कहते हैं ना कि यार आप या जाने या वाप या जाने। वैसे जाने माफ करी, बातें ये को खानदानी लोगों वाली नहीं करते, इसलिए जरा ध्यान से। राबे राबे लालच नाल भर गई है दुनिया। हमारे बाद अब इस दूध की बर्बादी क्यों फेर रही हो? है सॉरी, वो रात से बहुत परेशान हूं ना। किसको बेवकूफ बना रही हो, मुझे, बिल्स को या खुद को? परेशान हूं। तुम ऐसे क्यों बात करती हो मुझसे? क्योंकि ना मुझे वाकई में लगता है कि तुम सबको पागल बना रही हो। तुम कसम ले लो, शादी नहीं करना चाहती मैं बिलाल से। क्यों? वो मैं बता नहीं सकती तुम्हें। तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? तुम ना कोई ऐसा हल बताओ जिससे बिलाल खुद इनकार कर दे शादी से। सच कह रही हो? अब बात बात पर तो कसम नहीं खा सकती ना। तो फिर ऐसा करो, हर वो काम करो जो बिल्स को सख्त ना पसंद हो। मुझे क्या पता उसे क्या बुरा लगता है। मैं हो ना, पीएचडी कर रखी है मैंने उस पर। मतलब मेरा काम हो जाएगा 100% अगर मेरे इशारों मेरे मशरों पे चलोगी तो। ठीक है, चाय तो सड़ गई है, दोबारा बनानी पड़ेगी। ये तो किसी मेरे जैसे इंग्लिश लिखी है। चुप करके ना मेरे नाम के आगे से व्हाइटनर से ए मिटा। सौब्रा। ये प्रूफ रीडिंग किसने की है? काटोगे? ओ भैया, प्रूफ रीडिंग तो मैंने की थी, पता नहीं कैसे हो गया ये। माशाल्लाह, घर को आग लग गई घर के ही दीवे से। और कोई नहीं मिला था आपको? दूल्हे के ही नाम के स्पेलिंग गलत करने थे आपने। शुक्र कर रहे ब्याह हो रहा है तेरा, कुछ छोटी बात है। जिस दोस्त को दिखा रहा हूँ ना, मजाक उड़ा रहा है मेरा। वो तेरे नाम का नहीं, तेरी उम्र का मजाक उड़ा रहे होंगे। इस बात पे जरा गौर फिक्र कर। और मेरी जो जींस बदल दी, साबिर से साबरा कर दिया। आखिर मैं भी तो सबर शुक्र करके खड़ा हुआ हूँ। ताशी, तेरे साले का फोन आया। वो कह रहा था कि आज ना टाइम निकाल के घंटा को तो जरा चेक कर ले शेरवानी जाके टेलर के पास। पहले ये कार्ड चेक करें आप। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हाय मैं मर गई, ये साबरा चौधरी कौन है? ये हाँ साबिर, रातों रात तूने जीनस कैसे बदल ली? नहीं भाभी, गलती हो गई। आपको साबिर भाई उनका गलत नाम नजर आ रहा है, और जो मेरा नाम ताशवीन से तशफी कर दिया वो नजर ही नहीं आ रहा आपको। यार पहले इसकी तशफी करा दो, हमारी जींस भी बदल गई ना, हम कर लेंगे गुजारा। भाई मैं तो थक गया हूँ, मेरा क्रिकेट मैच है, बाकी मैं सारे वहां से आके करूंगा। जा मगरो लत ताशी पुत्र, मेरा भैया मेरा सोना, शादी में थोड़े दिन रह गए, जरा मुंह की रगड़ाई वगैरह करा ले कुछ, थोड़ा फर्क नहीं पड़ना। मेरा मुंह है ये, रमजान चाचा के घर की टाइल नहीं है जो रगड़ूं उसे मैं। हाय 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 हाय, माशाल्लाह, जैसे जैसे शादी के दिन करीब आ रहे, नूर तो कहीं नजर नहीं आ रहा, दिमाग घूमता जा रहा है इसका। है रुस गया मेरा भाई, चलो क्या जवान मर्द साबरा चौधरी। मिटा रहा हूँ मैं। और बताओ, हो गई तुम्हारी तशफ्फी कार्ड को देखकर? लगता है तुम्हारी नहीं हुई। मेरी तो बड़ी हुई है तशफ्फी तुम्हारी खराब चीजें देखकर। किस बात का बदला ले रही हो तुम मुझसे? अपने दिल से पूछो। मेरे सीने में दिल ही नहीं है अब। अभी तो दिल के होने का एहसास हुआ है तुम्हें। परी, वो जो येलो जीप है ना, बिल्लू को अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। तुम देखना शॉट मार के ऐसा डेंट डालूंगी सारी जिंदगी नहीं निकलेगा। शाबाश। आप लोग क्या खुशर पुशर कर रहे हैं? कुछ नहीं, तुम बॉलिंग कराओ, बहुत जोर से छक्का आ रहा है मुझे। देखो कितने अपसेट लग रहे हो। बैठ के लगाती रहो अंदाजे खुद से ही। यार रब वो ना समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात। फारूक सुधर जाओ। मुझे छोड़ो, खुद करवा लो फेशियल। देख नहीं रहे हो कितनी स्किन डल लग रही है। बस फिर अपना सर बचाइएगा। हाँ हाँ करवाओ तो। ओए होए शुक्र है आंख बच गई, वरना काना दूल्हा अपनी शादी में बैठा हुआ कितना अजीब लगता। अम्मी जी नील पड़ गया है। हाँ। मैं नील कराया नील का, मेरा तन मन नीलो नील। कसम ले लें नील देखकर तो गाना याद नहीं आया मुझे। नजर लग गई मिस्टर रताशी को। निम्बू आप यूं कीजिए कि कोई काला बकरा लीजिए और अपने भाई के सर से बाजिए। नहीं दादी देखें तो बात बकरे से आगे निकल के ऊंट तक पहुंच गई है। तो ऊंट कर दीजिए, वैसे भी ये शादी वाला ऊंट किस कल बैठे who knows? ना मुझे ये बताओ कि इस घर को कजाफी स्टेडियम किसने बनाया? परी बाजी ने मारा था चौका। हाँ तूबा ने कहा था उस तरफ मारो। मेरी तरफ? नहीं नहीं बिल्लू की जीप की तरफ। तो बाउंड्री लाइन वहीं पे बन रही थी। अगर मेरी जीप पे गेंद लगती ना तो मैंने पूरा कजाफी स्टेडियम उठा के तुम्हारे घर के लॉन में फेंक देना था। स्ट्रेट अप। बैटिंग मैं नहीं करी थी, बैटिंग परी कर रही थी। ये तो मेरे मुंह पे चौका छप गया है, इसका क्या करूं मैं? सबर कर, हौसला कर मेरा वीर, और तू कर भी क्या सकता है। बड़ी आपी मैं कर दूं सिखाई है? हाँ हाँ तू कर दे, तुझे अच्छी आती मुझे पता। कर कर। यो मामू बर्दाश्त यार, आपकी शादी है सर पर। तू अपना सर बचा, तेरा ने काफी सर पर ही है। ना मैं करती इसका ही, मैं हली हली करूं अपने भाई की। ठीक है ना हली हली। आई 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 आई। कुकड़ बांधना है। अब जी कुकड़ तो ना बनाए, चल मुर्गा बांध जा। अब जी बात तो एक ही है, मुर्गा तो ना बनाए। सारे मुल्क के मुर्गों को टीके लगाते हैं तो मुर्गा तुझसे बना नहीं जाता। बन मुर्गा। अब जी ऐसे सादे पकड़ लेता हूँ, यू टर्न करके हाथ नहीं आएगा। चलो ये यू टर्न नहीं होता तो चरगा बांध जाओ, उसके हाथ ऐसे होते हैं। बांध चरगा। अब जी माफ कर दें, हमारे ऊपर तुमने हवानियात का रोब डाला होता है अपनी तलीम का, तो अपने नाम के स्पेलिंग गलत कर लिए। नाम मुरादा ही से शी बन गया, साबरा लिखा लिया पागल। इतनी अब्बा जी बुलाया? ये क्या चवल मारी है? ये खबर आप तक भी पहुंच गई कैसे? वो किसी डॉक्टर ने फोन पे अब्बा जी का मजाक उड़ाया। किस डॉक्टर ने? वो डॉक्टर सलमा को व्हाट्सएप किया था मैंने कार्ड। डॉक्टर सलमा? सारा साल वो मुझे फीस में कंसेशन करती है, ताशी की शादी पे तो फिर बुलाना बनता है ना उसे। ठीक है तो इतनी सफाइयां क्यों दे रहे हैं अब्बा जी? क्योंकि अब्बा जी को झाड़ दिया उन्होंने अच्छी तरह कि किस जाहिल से छपवाया ऐसी गलतियों वाला कार्ड। तो बता देना था, एक डंगर डॉक्टर है हमारे पास, आ जाता है जाला कभी कभी उसकी आंखों के सामने। यो दादा लेट्स गो दादा, चले ना डॉक्टर शर्मा को भी कार्ड दे के आते। एक मिनट कितने कार्ड देने उन्हें? कितने कार्ड क्या मतलब? एक ही तो शादी है हमारे घर में। अब ये और बात है कि दूल्हे का मुंह किसी को दिखाने के काबिल नहीं बचा। लेकिन अब्बा जी तो कह रहे हैं कि व्हाट्सएप कर दिए कार्ड। कमाल करते हैं भाईजान आप। अच्छा थोड़ी लगता है कि इतनी बड़ी डॉक्टर को कार्ड व्हाट्सएप करके बुलाएं हैं बाजी। इतनी समझदारी की बातें करने लग गया, गलत कार्ड प्रिंट करवाने के बाद। ताऊ जी। हाँ जी मुझे ना जल्दी से आप 1 2 3 4 5 6 10 लाख दे दें बस, मैंने ना दुल्हन को शॉपिंग करानी है ना निकाह की। ओ पोते तुम्हारे पास ही तो रखाए हुए हैं पैसे, जिन्हें मर्जी खर्च ले। मैं तो भूल ही गई। ठीक है मैं वो यूज कर लेती हूँ। क्या कुछ हाल आ गया, बस फजूल खर्ची नहीं करनी, जितना जरूरी है उतना खर्च करो बस। लो जी दादा जान साड़ी बारी आई तेको गुरु पे हाय को गुरु तो लेके जाना शॉपिंग पे। चल मेरा को गड्डी काट चलें शॉपिंग पे। आजा मेरा पुत्र। ओ पुत्र जितनी मर्जी शॉपिंग करो होशियारपुरियों के घर में ब्याह है। आ खोल दियो अब्बा जी। खिड़कियां और दरवाजे खोल दियो पुत्र गुम्मा बड़ा हो गया। जी अब्बा जी अभी कंगड़ डॉक्टर दी फरमाबरदारी बहुत अच्छा। वे छड़ दे क्यों ट्रेन बना रहा है मुझे पागल कमला तो नहीं हो गया। अम्मी मेरी बात सुने आप मेरी प्यारी अम्मी है ना को बल्कि आप तो नॉर्मल अम्मी हैं ही नहीं। ओए आप तो मदर टेरेसा है मदर टेरेसा। देख बिल्लू तू जब जब मुझे ये बार बार मदर टेरेसा करता है ना तो मैं डर जाती हूँ। मुझे पता है तूने कोई बड़ा टीका लगाना है मुझे खर्चे का। वो खर्चे की बात नहीं है अम्मी। तो फिर क्या बात है कोई और चावल होगी। ऐसे मौके पे भाइयों के काम बहन ही आती है ना। अब बिल्लू चौधरी की कोई बहन नहीं तो वो क्या करे। आप ही कुर्बानी दे दे माँ ना बने कुछ दिन बहन बन जाए। हाँ हाय दूर फिटे मुंह मुझे क्यों छोटी बहन बना रहा है। क्या मसला है बता मुझे। बताऊंगा तो नाराज तो नहीं होगी मुझे। लू मेरे पास टाइम नहीं मुझे बहुत काम है मुझे निकाह के जल्दी बता। मेरा और परी का निकाह हो रहा है ना। हाय तो निकाह हो रहा है तो नहीं पसंद तो ना कर मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकार कर दे। और ना 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 इनकार ना करी। सोने वल्लों वाले पराठे बनाती है और किचन का काम तो मिनटों में कर देती है। ना निम्बू भाभी ना हैं क्या। ओ मैं कब इनकार कर रहा हूँ। तो फिर तकलीफ क्या है तुझे। वो मैं ये कह रहा था कि मैं परी को शॉप में कराने ले जाऊँ। तेनू तो पाई नहीं कराना आंदा तू तो जाके वैसे कार्ड मशीन में डाल के शुरू करके सारा पैसा उठा के आ जाएगा। और मुझे नहीं चाहिए पैसे। बिल्लू चौधरी के पास दादा जान का कार्ड है। उसी कार्ड की बात कर रही है। अंदर पड़ा मेनू कार्ड दे देता हूँ आपको कार्ड वापस। मेरी बात तो सुने खुदा का वास्ता। उस जादूगर मलका दादी को किसी तरह रोक लो वो साथ ना जाए बस। अच्छा कल्ले में ना फिल्मी डायलॉग मारने हैं। आप समझाए ना यार अम्मी को। आपने तो 14वें ग्रेड की जॉब से रिजाइन किया कि नहीं किया। आप समझा सकती हैं। तो तुझे क्या लगता है निम्मो भाभी इनकार करेंगी। हाँ और बिल्कुल भी नहीं करेंगी। कितनी ब्रॉड माइंडेड सास होंगी तुझे क्या पता। हमारे खानदान की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा समझदार ब्रॉड माइंडेड और प्यारी सास का अवार्ड सिर्फ निम्मा भाभी को मिलना है। कौन से माइंडेड। रोशन ख्याल मॉडर्न ब्रॉड माइंडेड। अच्छा वो मैं अगर हो ही गई हूँ माइंडेड ब्रॉड माइंडेड और क्या रोशन ख्याल तो अपना फैशनेबल तो मॉडर्न तो फिर पुत्र पीछे रह की गया तो फिर ले जा तू। चाची आई ओ यू थैंक यू। माँ को थैंक यू बोल। चाची को काहे का थैंक यू बोल रहा है। छपाकी निकलती है मुंह में माँ को थैंक यू बोलते रहे। नहीं छोटे से थैंक यू से आपका काम चल जाएगा। ओए आपको इस साल हमने बेस्ट सास ऑफ द ईयर का अवार्ड लेके देना है। अच्छा तो वो पट्टी भी डालेंगे मुझे। पट्टी भी डालेंगे और मामा जी खड़े होके क्या करेंगे। पड़ी हमारे जमाने में एक गाना बड़ा मशहूर था। ऐसी जालिम नजरों से हमको ना देखो मर जाऊंगा ओ जाने जाना मर जाऊंगा। जो कुछ आप परी के साथ कर रही है ना परी का दिल चाह रहा है कि वो सचमुच आसमानों पर चली जाए। ठीक है तुम उड़ जाना है और हम यूँ करेंगे कि हम अपनी उड़न टस्करी की फ्लाइट ऊपर भेजेंगे। फ्लाइट तुम्हें नीचे लेके आएगी और हम बिल्लू बॉय के साथ तुम्हारा निकाह करवा देंगे। आपको पता भी है वो अपने दादा के कहने पर जबरदस्ती निकाह कर रहा है परी से। वाओ व्हाट एन ओबीडिएंट यंग मैन है। बस यही बातें हैं जिसकी वजह से मलका दादी का दिल आ गया बिल्लू बॉय पर। अच्छा दिल मलका दादी का आया और शादी परी की कर रहे हैं। खाला जी आपने तो हमें ना मुश्किल में ही डाल दिया है। गॉड फॉरबिड बेटे कैसी मुश्किल। हमने तो आपके खाने पीने का कोई मोतालबा तकारा नहीं किया। नहीं वो बात नहीं है। वो ताशी कह रहा है कि वो अपनी ना बरी की ज्वेलरी आपकी पसंद से लेगा। हाँ अब ये देख लें आप। Really? How intelligent and sharp boy है? ये तो बहुत ही कोई खानदानी और शरीफ बच्चा निकला। बस देख ले इस शरीफ और खानदानी लड़के को छोड़कर अल्लाह जाने मेरी नंद ने भी कहाँ जाके चोंच फंसाई है अपनी। मुझे तो लगता है बड़ी कुछ जाहिल लोग होंगे वहां। ऐसा नहीं कहते बेटा, इट इज वेरी रूड। आई एम श्योर कि वो बहुत कोई खानदानी लोग होंगे। ये बताओ कि फिर वो कब जा रहे हैं हम जूनट के पास? जरा बाहर भी चक्कर लगाएं, कुछ आउटिंग हो जाए, आइसक्रीम भी खा ले हैं। नहीं नहीं नहीं, जाना कहीं नहीं है, जूलर घर पे ही आ रहा है। Really? Very nice, very nice। पर ये ऐसा करेंगे कि मिलकर तुम्हारी भी ज्वेलरी सिलेक्ट कर लेंगे। नहीं 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 नहीं, परी को तो निमो पाबी लेके जा रही है ना इसका निकाह का जोड़ा दिलाने के लिए। हाँ नो नो नॉट एट ऑल, परी का तो कपड़ों के मामले में कोई टेस्ट है ही नहीं। हाँ, हम खुद जाएंगे और जाके आपके कपड़े पसंद करके लाएंगे परी। हैं जी जी, आप ना दादी को ले जाए। आपने देखा हम किस कलर टेस्टफुल कपड़े पहनते हैं, हमारी साड़ियां देखें क्या कलर कॉम्बिनेशन होते हैं। सिर्फ सेंस ही देखा है हमने, कपड़े अच्छे आज तक नहीं देखे। चले आप ये तो देखे ना, पसंद करके फिर बता दीजिएगा। हैं, मैं कमरे में हूँ अपने। यार दिखाओ चाची, मुझे एक दफा परी से खुल के बात करनी है, बस और कुछ नहीं। वो तू कर लेना, तुझे किसने बांधा हुआ है? कर लेना, किसने बांधा हुआ? हमारे घर में ना 10-10 सीसीटीवी कैमरे हैं और वो दादी मलका दादी नहीं है, मलकुल मौत है। हर वक्त उसके पीछे पीछे, मौका ही नहीं देती है। ये तू ठीक कह रहा है, वो तो अभी भी अपने परों के नीचे से परी को निकालने को तैयार ही नहीं है। अब ये बता कि करना क्या है? आई थिंक एक ही बंदा निकाल सकता है परी बाजी को उस घर से बाहर। कौन? तू? नहीं, नॉट एट ऑल। Let me know, who is she or he? Bro, this is not fair. देख मेरी बात सुन बंटी चौधरी, तू मेरा प्यारा छोटा भाई है ना, ये ना हो कि मैं मुक्की मार के तेरा जबड़ा निकाल के तेरे हाथ पे रख दूं। ऐसे फंडे बर्दाश्त करने की पोजीशन में नहीं है इस वक्त बिल्लू चौधरी। ओ बता दे, ताशी मामू से कहे ना, उनको तो ताजा जख्म लगाया परी बाजी ने। क्या कौन है? यही तो, कि उनको किसी तरह इस घर से बाहर लेके जाए और आप उनको बाहर जाके हाईजैक कर लेना। बंटी चौधरी, एक पप्पी इधर, दूसरी तरफ पप्पी देने का टाइम नहीं है क्योंकि मुझे ताशी मामू के कमरे में जाना है। गुड, सही कहती हैं आप, हमारे इस घर में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है और इसीलिए तुझे कहती हूँ कुछ पढ़ ले, कुछ सीख ले, वरना सारी जिंदगी ना ये ट्रकों ट्रॉलियों के हिसाब करता रह जाएगा तू। साफ से याद आया, मैंने मैथ्स का होमवर्क करना। हाय हाय खोटा सिक्का। तुझे लगता है कि वो तुझे पसंद नहीं करती? हाँ, तो कंफर्म करना चाहता हूँ। और अगर उसे कंफर्म कर दिया तो ताऊजी को कैसे मना करेगा? कुछ ना कुछ तो करूंगा ना ब्रो। आपस की बात है, तो उस लड़की से निकाह कर क्यों रहा है? क्योंकि इसमें दादा जान की खुशी है और दादा जान की खुशी के लिए बिल्लू चौधरी अपनी जान भी दे सकता है, इस बात का पता है आपको। यार ये डायलॉग जो है तेरा आज की तारीफ में हजम नहीं होगा मुझसे। ओहो, आप अपने हाजमे की पक्की बाद में खा लीजिएगा, अभी परी से बात करें प्लीज यार। और अगर ना मानी तो? यार खुदा का वास्ता है मामू, आपके घुटनों को हाथ लगाता हूँ, अपनी इस तवील जिंदगी में कम से कम एक लड़की तो बना लें आप यार। नहीं, आपने अपनी बेदाग जवानी और शानदार माजी के साथ इलेक्शन लड़ना। आजा ठीक है, बंटी को क्या भेजो उसे। मामू मुझे तो लग रहा है ये जो परी शरी उड़न खटोली है ना, चूना लगा के जाएगी सबको। आखिर ऐसी कौन सी बात है उस लड़की में जो बस इतनी जल्दी तैयार हो गया उसे निकाह के लिए? है मोहब्बत का जादू है मेरी जान, सर चढ़ के बोलता है। सीखने से भी नहीं सीखता बंदा सारी जिंदगी। ताशी को ही देख लो, इंसान झूठी तसल्ली दे देता है। नहीं पता है, हमें ना यहाँ नहीं आना चाहिए था, पास आके पता चला कि डोरी में सुकून होता है। सैड ना हो ज्यादा, पूरी जिंदगी सैड मूवी बन गई आपकी ने। सैड ना हो, बेटा ये मुंह किसी को दिखाने के काबिल तो छोड़ा नहीं तुमने। तो दुल्हन के मुंह दिखाएगी गिफ्ट के लिए कुछ हेल्प कर दो मेरी। आई एम सॉरी, वो जानबूझकर नहीं मारी थी बॉल। बॉल छोड़ो, तुम चलो मेरे साथ शॉपिंग मॉल। हाँ? मैं कैसे जा सकती हूँ? निमू आंटी को ले जाएं साथ। अब कहा था उन्हें, वो पुराना सा ब्रेसलेट उठा के ले आए और कहती है कि हम चलाओ उससे। अब ये ज्यादती है ना। हाँ ये तो बहुत ज्यादती है। किचन वाली आंटी को साथ ले जाएं, वो शब्बू आंटी को ले जाएं साथ। कैसे ले जाऊं मैं? पूरे घर को काम पड़ता रहता है हर 5 मिनट बाद उससे। अब अगर मैं ले गया तो पूरे घर में शोर मच जाएगा कि ताशी शब्बू को कहां ले गया है। हाँ? पारो खाला से बात करूं? अब नहीं, वैसे तो कुछ कर नहीं पाया मैं उसके लिए। अब एक नया इम्तिहान डाल दूं उसे। हाँ ये तो गलत हो जाएगा ना, उनके साथ बहुत हर्ट होंगी वो। आधे घंटे की बात है, बस आना जाना करेंगे हम। हाँ दादी को साथ ले जाते हैं, उनकी पसंद ना बहुत अच्छी है। हाँ उन्हें ले जाएं। तुम्हें पहले कहा था मैंने कि पूरी दुनिया को नहीं बताना। अगर निमो भाजी को पता चल गया ना तो मेरी टांगे तोड़ के मेरे हाथ में रख देंगी वो। लेकिन दादी को बताए बगैर कैसे जा सकती हूँ? अभी ज्वेलर आने वाला है और कसम ले लो मुझसे 4 घंटे से पहले हमारी खवातीन उठने नहीं देंगी उसे। लेकिन दादी ना। अरे कुछ नहीं होता, किसी का ध्यान भी नहीं जाएगा। पर से बंटी है ना, वो संभाल लेगा। चले अब। अच्छा चले फिर। चलो चलो चले। हाँ चले, तुम पोस्ट पे गाड़ी के पास चलो, मैं अभी चेंज करके आता हूँ। ठीक है ना? आपको क्या गिफ्ट लेना है अपनी दुल्हन के लिए? तुम बताओ। मेरा ख्याल है कि आप ना कोई लॉकेट ले लें, वो हार्ट जिसपे बना होता है ना, उसपे पिक्चर भी लग जाती है अंदर। हाँ तो हम ना डायमंड रिंग ले लेते हैं, उससे काफी शो भी बनती है। क्या आप हर बात का जवाब क्यों दे रहे हैं? पैसे तो लेकर आए हैं ना आप पूरे। हाँ पैसों का कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर क्यों परेशान लग रहे हैं आप? वो परी मैंने ना तुमसे झूठ बोला है। कैसा झूठ? वो बिलाल ने ना तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी तो मैं गलत बयानी करके तुम्हें यहाँ ले आया हूँ। क्या? दादी को पता चल गया ना तो मेरी टांगे चॉप ऑफ कर देंगी और आपको भी नहीं छोड़ेंगी। प्लीज उन्हें ना बताना प्लीज। मिस दिलशाद कहती है जो लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं उनसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। इतने बड़े फ्रॉड हो तुम, ये क्या तरीका है? कुछ नहीं, बस उंगलियां टेढ़ी करके घी निकालने की कोशिश की है। दादी से झूठ बोल के लाए हो तुम परी को। हाँ वैसे झूठ बोलना तो हराम है, कोई बात नहीं, मैं उनसे माफी मांग लूंगा। 2-4 बड़ी जरूरी बातें करनी है मैंने तुमसे। उल्टी सीधी बात मत करना। बिल्लू चौधरी का ऐसा कोई फंडा नहीं है, समझी तुम? कोई और बात है, अभी करता हूँ। अभी तक जूलर तो मैंने तो पहले ही कहा था उसकी शॉप पे चले जाते हैं। तो मेरी बात सुन, जो काम घर में होता है उसके लिए बाहर खज्जल होने की क्या जरूरत पड़ी है? मुझे पता है तेरी ज़बान के चस्के, तू चाहती है हुल-हुल करती बाहर फिरूं, दही बल्ले तेरे गोलगप्पे खामा है ना, खिला देना गोलगप्पे। हेलो हैंडसम यंग मैन, जरा हमारा एक काम तो कीजिए। यस प्लीज प्लीज। परी को तो चेक करके आइए कि कहाँ है। वो तो तुम बाजी के कमरे में है। शी इज वेरी बिजी। वो लड़कियों के साथ उनके कमरे में बैठी है। और खाला जी जरा खुद को उससे अलग रहने की आदत भी डालें आप। हाँ जी, और वैसे भी आपने सारी जिंदगी थोड़ी उसके साथ बैठे रहना कोई। Oh, that I completely understand, लेकिन पता तो चलना चाहिए कि बच्ची कर क्या रही है। हा? वो पारो और तूबा के साथ बैठी है, वो ताशी की बरी के जोड़े टांक रही है ना, तो वैसे गप्पे मार रही है। एमी वैम ना किया करें आप। Come on, get up, young man, go get. Come on, good boy. झूलर आगे, झूलर आगे। जा जा, चल जल्दी जा दरवाजा खोल, जल्दी। यही तो हम चाहते थे कि परी भी आए और अपनी मर्जी से अपनी ज्वेलरी सिलेक्ट कर ले। तो फिर हम भी बैठते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि आपके ज्वेलर साहब कैसी ज्वेलरी लेकर आए। ऐसे क्या घूर रहे हो परी को? नहीं घूर नहीं रहा, सोच रहा हूँ कि जैसे मैंने अपने दादा जान की मोहब्बत में हाँ कर दी कि ठीक है मैं परी से शादी कर लेता हूँ, तुम्हें क्या मजबूरी है? क्यों सिर्फ तुम्हें ही मोहब्बत है अपने बड़े अब्बा से? परी को अपनी दादी से मोहब्बत नहीं हो सकती? यो कॉन्ग्रेचुलेशन, हम दोनों तो एक ही कश्ती में सवार हैं। और तुम इस कश्ती को डुबाने के लिए यहाँ ले आए हो? नहीं 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 नहीं, तुमसे पूछने के लिए आया हूँ कि अगर किसी प्रेशर की वजह से या अपनी मर्जी के खिलाफ तुम मुझसे शादी कर रही हो तो तुम्हें इनकार करने की कोई जरूरत नहीं, तो मुझे बता दो, मैं अपने ऊपर लेकिन इनकार कर दूंगा, ठीक है? और इस मेहरबानी की वजह? तुम्हारी साफ कोई अच्छी लगी मुझे, और वैसे भी मेरी इनर फीलिंग है कि तुम किसी आम लड़के को डिजर्व नहीं करती, और तुमने खुद ही तो मुझे कहा था आम सी शक्ल का हूं मैं। तुम कितनी मोहब्बत करते हो अपने बड़े अब्बा से? मैं अब तुम्हें कैसे बताऊं? अगर मुझसे कहे ना कि इस दरख्त से शादी कर लो तो यो दादा ओके डन। ये तो कोई मोहब्बत नहीं हुई, ये तो पागलपन हुआ। कुछ भी कह सकती हो, मोहब्बत नहीं कहना तो इश्क कह लो। है? तुम्हें पता है जब मैंने जिंदगी में पहली दफा आंख खोली थी तो मैंने किसको देखा था? दादा जान को। हथेली का छाला बना के रखा है उन्होंने मुझे सारी जिंदगी। ऐसी कोई चीज ही नहीं है, कोई ख्वाहिश ही नहीं है कि बिल्लू चौधरी ने बोली हो और दादा ने पूरी ना की हो। इसी वजह से जब उन्होंने कहा कि परी से शादी कर लो तो तुमने कहा ठीक है कर लेता हूँ। उनके चेहरे पे खुशी इतनी ज्यादा थी और दादा जान की खुशी, यो दादा जान की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं, कुछ भी। ऐसी पोते और दादा की मोहब्बत तो पहली दफा देखी है परी ने। चली तुमने बताया नहीं, तुम क्यों कर रही हो शादी? पहली बात तो ये कि परी से किसी ने पूछा ही नहीं, और दूसरी बात ये कि दादी को लगता है कि तुम अच्छे लगोगे परी के साथ, और तीसरी बात वो आज परी तुम्हें खुद बताएगी।